पैकिंग स्टार्ट हो गई है, ये सारा कुछ निकाल के रखा है, ये माही का ड्रेस, ये माही की बेली जो शादी में वो ड्रेस पहनने वाली है उसके लिए, ये माही का शादी वाला ड्रेस, ये माही का एंगेजमेंट वाला ड्रेस, उस पे चूड़िया गोल्डन, ये अद्विक का एंगेजमेंट वाला ड्रेस, ये मेरी साड़ियाँ, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये साड़ियाँ सारी, ये मेरी शादी में पहनने वाली साड़ी, और ये सारी चूड़ियाँ इसमें हैं, ये क्लच, और ये है लहंगा जो मैं रिसेप्शन में पहनने वाली हूँ, उसके बाद ये सारे इयररिंग्स वगैरह हैं जो निकाल के रखे हैं, और ये सारी ज्वेलरी, और ये सारी और ज्वेलरी पूरी निकाल के रखी हैं, और ये है मेरा लगेज जिसमें मैं सारा कुछ पैक करने वाली हूँ, और ये इतना कुछ अभी निकाल के रखा है, और जो जो याद आएगा वो मैं डालती जाऊँगी। एक्चुअली ये सारा कुछ अभी सिर्फ निकाल के रखा है, इसमें और ऐड होगा, माही की एक और बेली आनी बाकी है, गोल्डन बेली, और उसके बाद क्योंकि उसके बाद जो सैंडल थी गोल्डन वो तो उसको छोटी हो रही है, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं यार, जल्दी से छोटी हो जाती है उनको सैंडल सारे, पिछले मतलब 6-7 महीने पहले ही ली थी वो सैंडल, अभी उसको छोटी हो रही है, तो उसको जो गोल्डन सैंडल है या बेली है वो लानी पड़ेगी उसके लिए, तो वो अद्विक का भी पैक करना बाकी है, अद्विक का यही ड्रेस निकाल के रखा है, सारा कुछ अभी अद्विक का भी पैक करना बाकी है, तो ये सारी पैकिंग होगी, उसके बाद जो कुछ अभी लाना है तो वो आज लाने जाएंगे, मैं जो कुछ होगा वो बाद में आपको दिखा दूंगी। गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और जो कुछ सामान निकाल के रखा है यहाँ पर वो सब पैक होने वाला है जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो सब पैक होगा, और कुछ बाकी है तो वो अभी लेके आएंगे, इनकी शॉपिंग बाकी है, इनकी तो पूरी शॉपिंग बाकी है यार, हम लोग ससुराल गए थे तो उसके चक्कर में शॉपिंग हो ही नहीं पाई इनकी, तो अभी जाके इनकी शॉपिंग करके आती हूँ, और जो कुछ सामान निकाल के रखा है वो उधर से आने के बाद पैक करना है मुझे, कुछ सामान लाना भी है, सारा कुछ याद कर करके निकाल के रख रही हूँ यहाँ पे ताकि कुछ भूलूँ ना, मतलब कोई आने वाला नहीं है उसके बाद, और 2 ही दिन शादी के लिए बाकी है, तो एंगेजमेंट होगी पहले, कल एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट के लिए मैं टाइम पर जा रही हूँ यार, भाई की एंगेजमेंट है और भाई की एंगेजमेंट के लिए मैं एकदम टाइम पर जा रही हूँ, कोई बात नहीं होता है, और उसके बाद 1 दिन हल्दी है, उसके बाद शादी है, रिसेप्शन है, तो इन सारे प्रोग्राम में जो कुछ पहनने वाला है वो सारा कुछ निकाल के रखा है, और जो भी उस पर लगेगा मैचिंग वो सब कुछ भी निकाल के रखा है, मतलब जो है वो निकाल के रखा है, और जो नहीं है वो लाना है अभी, तो उसी के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ, जल्दी से जाके आते हैं, इनकी जो शॉपिंग बाकी है वो करके आती हूँ, और जो मेरी भी बाकी है और माही की बाकी है वो करके आती हूँ, तो चलिए चलते हैं मार्केट, जो भी कुछ होगा वो आपको वहाँ पर दिखा दूँगी, जो भी कुछ लेके आऊँगी वो घर पे आने के बाद दिखाऊँगी। यहाँ पर अद्विक को नहला के रेडी कर रही हूँ, और आप सभी को पता है कि मैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अद्विक के लिए यूज़ करती हूँ, और वो क्यों यूज़ करती हूँ ये भी आप सभी को पता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स सारे नेचुरल होते हैं और केमिकल फ्री होते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का मिल्की सॉफ्ट क्रीम फॉर बेबीज, इसमें है मिल्क प्रोटीन एंड मुरमुरू बटर, इससे आपके बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। क्रीम लगाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज़, इसमें है शिया बटर एंड जोजोबा ऑयल, इससे भी आपके बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है, आपके बच्चों की स्किन को ये बहुत देर तक मॉइस्चराइज रखता है। विंटर स्टार्ट हो गया है तो बच्चों की स्किन बहुत जल्दी इस सीज़न में फट जाती है, और इसी वजह से बच्चों को नहलाने के बाद उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको बता दूं कि मामाअर्थ जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है, और आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और इंडियन ब्रांड से यूज़ करने चाहिए, वोकल फॉर लोकल। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को परचेस करना है तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना कंचन20, उससे आपको इन प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे, और ये जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप चेक कर लेना, और हाँ एक्स्ट्रा 20% ऑफ के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा कंचन20। यहाँ पर निकल चुके थे हम लोग शॉपिंग करने, और हम दोनों ही गए थे, बच्चों को लेके नहीं गए थे साथ में, अगर बच्चों को लेके जाते हैं ना तो बच्चों को ही संभालना पड़ता है, फिर अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं, और उसके बाद एक जगह पे अभी ना थोड़ा सा सीज़न है तो एक जगह पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद सारे मार्केट घूमना पड़ता है, इसी वजह से बच्चों को लेके नहीं गए थे, बच्चे घर पर ही थे उनके दोनों भाइयों के साथ,
तो फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे शॉप में, और इतने शॉप्स ढूंढे हमने उसके लिए सिर्फ मोदी जैकेट वाले कुर्ते के लिए, और इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग ढूंढते ढूंढते कि आपको क्या बताओ, एक तो सेट मिल नहीं रहा था, मैंने सेट देखा सबसे पहले तो हम लोगों ने सेट ही देखा, सेट मिल नहीं रहा था, फिर हमें ना कुर्ता अलग से लेना पड़ा और जैकेट अलग से लेना पड़ा, मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिल ही नहीं रहा था, आखिर में हमें कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ा। मतलब इतने शॉप्स देखने के बाद तो हम लोग भी थक गए थे, घर पे आने के बाद खाना भी खाना था, बनाना भी था मुझे, और भूख भी लगी थी यार। उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी, बहुत सारे काम थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी ना जो शादी की साड़ी है वो मतलब रानी पिंक कलर की है, और उस पर मुझे पिंक कलर का कुर्ता या पिंक कलर का जैकेट चाहिए था, और उसमें गोल्डन का थोड़ा सा टच चाहिए था, मतलब जैसे कि पिंक कलर का अगर कुर्ता हो तो गोल्डन कलर का जैकेट चाहिए था, अगर पिंक कलर का जैकेट मिल गया तो गोल्डन कलर का कुर्ता चाहिए था, तो ऐसे मिल ही नहीं रहा था। तो फिर यहाँ पर आ गए थे हम लोग, तो यहाँ पर इन्होंने एक जीन्स लिया है, ये वाला जीन्स, और ये कुर्ता भी देखा हम लोगों ने, तो ये कुर्ता भी इन्होंने ले लिया है, तो ये कुर्ता अच्छा लग रहा था मुझे, उस पर वो गोल्डन वाला जैकेट भी अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर इनको जैकेट भी पहनने के लिए बोल दिया मैंने, तो यहाँ पर ये जैकेट भी पहन के देख रहे तो अच्छा लग रहा है वैसे, तो ये भी ले लिया हमने। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे, और इतनी ज़्यादा भीड़ है यार, आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब शॉप में खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है, क्या कर सकते हैं, अभी अर्जेंट था और इनका मतलब हम लोग गाँव गए थे तो इसी वजह से इनकी जो शॉपिंग थी वो बाकी थी, तो इसीलिए आज इनकी शॉपिंग थी, कुछ मेरी छोटी मोटी शॉपिंग थी तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, और जो मैंने लिया है इनके लिए वो भी दिखा देती हूँ। फिर भी जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, बट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अब तो, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और कल ही सुबह हमें निकलना है मेरे मायके जाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हो ये जैकेट लिया है, बहुत सुंदर है जैकेट, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये आप देख सकते हो इस तरह से ये जैकेट है, मोदी जैकेट। एक्चुअली मुझे ना पूरा सेट चाहिए था बट सेट नहीं मिला इसका, जैसे चाहिए था मुझे वैसा, क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो रानी पिंक कलर की है और उसी कलर का मुझे इनका कुर्ता चाहिए था, तो कुर्ता तो मिल गया है वैसे, बट अभी ये दो कुर्ते लेके आई हूँ मैं, एक गोल्डन कलर का लेके आई हूँ और एक रानी पिंक कलर का लेके आई हूँ। तो कुर्ता कुछ इस तरह से है ये, और उसके नीचे ये वाइट पैंट है, तो ये कुर्ता है और ये जैकेट है, तो अभी पता नहीं ये कौन सा पहनेंगे उसमें से। तो एक और है गोल्डन कलर का लेके आई हूँ, यहाँ पर है, इन दोनों में से कोई भी पहन ले, ये पता नहीं अभी कौन सा पहनेंगे उस टाइम पे, जो अच्छा लगेगा वो पहन लेंगे। तो ये गोल्डन कलर का है और इसके नीचे ये कुछ इस तरह से सिल्क में ही पैंट है गोल्डन कलर की। तो ये दो कुर्ते मैं लेके आई हूँ और ये वाला जैकेट लेके आई हूँ, और उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ भाई के लिए, हल्दी के लिए कुर्ता, तो ये भाई के हल्दी का है, उसको देना था मुझे तो वो लेके आई हूँ, उसकी शॉपिंग भी करनी नहीं हुई। और उसके बाद ये वाला एक जीन्स लेके आई हूँ इनके लिए, ये डार्क ब्लू एंड स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ये वाला एक जीन्स लेके आई हूँ इनके लिए, आज इनकी ही शॉपिंग हुई ज़्यादातर, मेरी तो छोटी मोटी थी, और माही की एक बेली लेके आई थी उसको छोटी हो रही है, तो वही वो रिटर्न करने मतलब एक्सचेंज करने गया है, थोड़ी सी बड़ी लेके आने के लिए गया है, वो आने के बाद वो भी बेली दिखा दूंगी आपको। और उसके बाद ये अद्विक के लिए मोजड़ी लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर है ये वाली मोजड़ी, अब थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देती हूँ आपको, ये मोजड़ी लेके आई हूँ अद्विक के लिए, थोड़ी सी बड़ी हो रही है बट कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी लेने से क्या होता है कि जल्दी से बड़े हो जाते हैं बच्चों के पैर। माही की देखो, माही के मैंने पाँच छः महीने पहले उसकी गोल्डन कलर की वो ली थी, सैंडल ली थी, वो अभी उसने पहनी भी नहीं है, उस टाइम से तो लॉकडाउन ही स्टार्ट हो गया, उसके बाद उसने पहनी भी नहीं और छोटी हो रही है, तो इसी वजह से ये अद्विक की बड़ी लेके आई हूँ, उसको लेके नहीं गई थी तो साइज़ भी इतना ज़्यादा पता नहीं था। और उसके बाद वो ये एक मोजड़ी इनके लिए लेके आई हूँ, ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ इसकी डिज़ाइन, तो आपको पता चलेगा, ये मोजड़ी इनके लिए लेके आई हूँ। और फिर माही के बैंगल्स है पिंक कलर के, मतलब बेबी पिंक कलर के बैंगल्स है, वो सिंपल वाली ही है। और उसके बाद क्या लेके आई हूँ मेरे लिए,
ऐसे ही बिंदी बिंदी के ये छोटे छोटे चीज़ें, जैसे बिंदी के पैकेट्स और ये सारी चीज़ें, तो ऐसे लेके आई थी। और बाकी कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, बस इतना ही लेके आई हुआ है। बस इसके लिए ही इतना टाइम लग गया कि आपको क्या बताऊँ, मतलब उसमें ही 3 या 3.5 घंटे चले गए मेरे, और उसी के चक्कर में ये सारा कुछ हुआ है। और उसमें भी माही का भी एक्सचेंज करने के लिए गए हैं, तो माही जब एक्सचेंज करके आएगी तब मैं आपको उसकी बेली भी दिखा दूंगी। दिखा दो ये वाले। एक्चुअली ये लाई थी पहले, मैंने आपको दिखाई भी पहले, बट ये छोटी हो रही थी उसे, इस वजह से ये भी एक्सचेंज करने गए थे। और ये अभी बड़ी लाई है, इसका पैर देखो कितना बड़ा है। इसके पैर में साइज इसकी 9 आती, 8 आती ना, 8 या 9। हाँ ये 8 ही है, ये वाला 8। हाँ और ये वाला दिखाओ, पहन के दिखा दो वो। अभी आ रही ना अच्छे से। अच्छी लग रही है। अभी ये वाली दिखा दो, निकाल लो वो मटकू। ये गोल्डन लाई है। एक्चुअली जो पहली लाई थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अब साइज की वजह से। साइज़ की वजह से इसके साइज़ आई नहीं रही थी इसे, और वो सबसे बड़ी साइज। हाँ मेरी इतनी है ही। ये देखो सुंदर लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मिल तो गया, चलो निकाल लो। चले गाइस, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ 2 और चैनल हैं मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो और वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।